हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ। एज यू नो मैं हूँ हनी। आज मैं आपको अनवांटेड हेयर को इजीली रिमूव करने के लिए एक सिंपल सा पैक बताने वाली हूँ, क्योंकि ये पैक प्री वैक्स पैक है। वैक्सिंग करने के पहले या अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के पहले इस पैक को लगा के इसके बाद अनवांटेड हेयर को रिमूव करने से अपना बाल जो है बहुत आसानी से आ जाएगा और अपना स्किन भी बहुत सॉफ्ट रहता है, डार्क नहीं होती है। ये 100% सेफ और इफ़ेक्टिव नुस्खा है, जिससे अनचाहे बाल भी इजीली आ जाएंगे और अनचाहे बालों का ग्रोथ भी स्टॉप होता है। तो वैक्सिंग करने के पहले है अनचाहे बालों को रिमूव करने के पहले इस पैक को आप एक बार ट्राई करोगे तो अनचाहे बालों को ग्रोथ भी स्टॉप होगा और अनवांटेड हेयर भी इजीली आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को देखते हैं, और वीडियो को देखने के पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आउटसाइड पे बेल आइकॉन एक घंटी रहता है, उसको आप दबाओ कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी प्री वैक्स पैक के लिए सबसे पहले एक क्लीन कटोरी लें। क्लीन कटोरी में हमें ब्राउन शुगर ऐड करना है। मैं ब्राउन शुगर 1 चम्मच ले रही हूँ। अगर आपके चेहरे के ऊपर अप्लाई करना है तो 1 चम्मच, अगर आपका बॉडी के ऊपर वैक्स करना है तो आप बॉडी के हिसाब से ऐड कर सकते हो। 1 चम्मच ब्राउन शुगर लेना है। इसके बाद इसमें हम नारियल के तेल ऐड करना है। 1 चम्मच नारियल के तेल और 1 चम्मच ब्राउन शुगर ऐड करके ये दो चीज़ को मिक्स करना है, क्योंकि आपको पता है वैक्स अप्लाई करने के पहले प्री वैक्स पैक अप्लाई करने से अपना वैक्स जो है आराम से आ जाएगा और इससे अनचाहे बालों का ग्रोथ भी स्टॉप होगा, और अपना स्किन भी बहुत स्मूथ और शाइनी दिखता है। तो इसीलिए वैक्स करने के पहले प्री वैक्स स्क्रब या प्री वैक्स पैक कंपलसरी यूज़ करना है। मैं स्क्री प्री वैक्स स्क्रब बता रही हूँ। एक्चुअली मैं वीडियो में पैक बोली थी, ये स्क्रब ये पाउडर बना के पैर जैसा यूज़ कर सकती हूँ और ये बिना पाउडर से स्क्रब की जैसा भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। काली ब्राउन शुगर और ऑयल कोकोनट ऑयल ऐड करके मिक्स करना है। ब्राउन शुगर कोकोनट ऑयल ऐड करने से अपना वैक्स जो है बहुत आराम से आ जाते हैं और इससे अपना स्किन भी सॉफ्ट होगा, सिल्की स्मूथ होता है, अनचाहे बाल भी स्टॉप होगा। इसको कैसे अप्लाई करना मैं बताऊंगी। स्किन के ऊपर जहां अप्लाई करना चाहते हो उस एरिया को वेट कर लीजिए, उस एरिया को गीला करके इस स्क्रब को लेके अप्लाई कीजिए। अप्लाई करके सर्कुलर मोशन में रब करना है। ऐसा आप 5 मिनट तक करना है। ऐसा करने से स्किन के अंदर डेड स्किन सेल्स रिमूव होगा और पोर्स भी ओपन होता है। पोर्स के अंदर डस्ट हो, टैन हो, रिमूव होता है, पोर्स क्लीन होगा और अनवांटेड हेयर भी इससे आ जाती है। अगर आपको छोटे मोटे अनवांटेड हेयर है इससे भी आ जाएगा। तो इसलिए आप वैक्स करने के पहले इसको अप्लाई करके सर्कुलर मोशन में 5 मिनट तक रब कीजिए। 5 मिनट रब करने के बाद इसको और एक 5 मिनट ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसके बाद वॉश आउट करिए ठंडा पानी से। इमिडिएटली वैक्स अपने हेयर क्रीम की मदद से या होम रेमेडी की वजह से या ट्रिमर की वजह से भी आप अपना अनवांटेड हेयर को रिमूव करने से हेयर जो है बहुत सॉफ्टली आ जाएगा। इसकी वजह से पोर्स ओपन नहीं होती हैं और इससे अपना स्किन अच्छा रहेगा और अपना स्किन के अंदर डेड स्किन सेल जो भी है वैक्स करने के टाइम पे आराम से आ जाते हैं और आपके स्किन के अंदर डस्ट हो, टैन हो, सब निकल जाता है। तो इसलिए वैक्स करने के पहले प्री वैक्स स्क्रब या प्री वैक्स पैक यूज़ करना है। मार्केट में काफ़ी सारे प्री वैक्स स्क्रब, प्री वैक्स पैक्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो हाई प्राइस में हैं। लेकिन घर का चीज़ इस्तेमाल करने से इस तरह प्री वैक्स स्क्रब को आप बना के ट्राई करके देखिए, इससे वैक्स आराम से आ जाएगा और स्किन भी सॉफ्ट और सिल्की स्मूथ रहता है। वैक्स करने के बाद अपना स्किन मोर शाइनी दिखता है। इस तरह आप करने से आपका वैक्स जो है बहुत आराम से आता है और स्किन भी सॉफ्ट रहेगा। ये 100% नेचुरल नुस्खा है, इससे साइड इफ़ेक्ट्स नुकसान कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें कोकोनट ऑयल है। कोकोनट ऑयल स्किन को मॉइस्चराइज करता है और चीनी स्किन के अंदर डेड स्किन सेल को रिमूव करता है और ये नेचुरल स्क्रबर की जैसा काम करता है। तो ये दो चीज़ घर पर आसानी से अवेलेबल होता है, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कुछ नहीं है, ये 100% नेचुरल है। लेकिन प्री वैक्स स्क्रब बनाना है तो ब्राउन शुगर ही इस्तेमाल करना है, वाइट चीनी नहीं, ब्राउन शुगर, अनफिल्टर्ड रॉ शुगर इस्तेमाल करने से आपको ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है। ये है आज की मेरी नुस्खा, और आप इसको वैक्स करने के पहले एक बार ट्राई करके देखिए, आपको वैक्सिंग बहुत स्मूथ होता है और स्किन भी सॉफ्ट रहेगा। सो ये है प्री वैक्स पैक। इस पैक को आप अनवांटेड हेयर रिमूव करने के पहले ये ट्राई कीजिए, वैक्स आ जाएगा आराम से और अनवांटेड हेयर का ग्रोथ भी स्टॉप होंगे। इस नुस्खे को आप हाँ महीने में 2 से 3 बार ट्राई करके देखिए, वैक्स आराम से आ जाते हैं और हेयर आराम से रिमूव होगा और हेयर का ग्रोथ भी स्टॉप होता है।
ये नुस्खा है, इफेक्टिव नुस्खा है। सो ये है आज की मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी इस वीडियो अच्छा लगा ना, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को रिगार्डिंग कुछ भी कमेंट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, उसके आंसर मैं जरूर दूंगी। फिर मिलती मैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।